रणवीर सिंह की सिम्बा का एक सीन हो गया है लीक और अक्षय कुमार के फैंस पे लगा है आरोप। रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टारर सिम्बा रिलीज के चंद घंटों के बाद ही थिएटर के अंदर शूट कुछ सीन्स के ऑनलाइन लीक की वजह से परेशानियों में है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी सिम्बा के ये सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जहां हर बार मूवी लीक होने के मामले में पायरेसी वेबसाइट तमिल रॉकर्स का नाम आता है, वहीं इस बार सीन लीक करने का आरोप अक्षय कुमार के फैंस पर लग रहा है। हालांकि जो विजुअल लीक हुआ है वो महज कुछ सेकंड का है और क्लाइमेक्स के बाद आता है। ये विजुअल अक्षय कुमार के अगले साल आने वाले नए प्रोजेक्ट सूर्यवंशी का है। फैंस ने इसे थिएटर में मोबाइल कैमरा से शूट करके शेयर किया है। ट्विटर पर अक्षय की एक्टिंग की सराहना हो रही है। फिल्म में एक मिनट की प्रेजेंस से ही अक्षय कुमार ने धमाल मचा दिया है। एक्टर के फैंस का मानना है कि उन्होंने फिल्म में जान डाल दी। दरअसल ये सीन उस वक्त आता है जब सिंघम अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लौटते हैं और इस दौरान सिंघम और एटीएस ऑफिसर अक्षय कुमार यानी सूर्यवंशी फोन पर बात करते हैं। सिम्बा में बताने की कोशिश की गई है कि 2019 में रोहित शेट्टी अपने हिट फॉर्मूला के साथ अक्षय के साथ फिल्म बनाने वाले हैं सूर्यवंशी। अक्षय इसमें एटीएस ऑफिसर के लुक में नजर आएंगे और वो इस लुक में काफी जज भी रहे हैं। बता दें रिलीज के बाद ही फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फैंस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। सिम्बा का फर्स्ट डे कलेक्शन काफी ज्यादा जाने की उम्मीद है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की राय में सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन 18 से 25 करोड़ कमा सकती है और वीकेंड में ये फिल्म तकरीबन 80 करोड़ की कमाई कर सकती है।